नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को विश्व शांति दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। हमें विश्वास है कि आप लोग ऐसे उद्देश्य के साथ काम करेंगे और जो समाज है, समाज को जोड़ने का काम करेंगे, शांति बनाए हुए रखेंगे और साथ में अपनी सद्भावना को भी सजोए हुए रखेंगे। विश्व शांति दिवस 1982 ईस्वी से मनाया जाता है, तो ये याद रखना है। और इसका उद्देश्य ही होता है कि दुनिया भर के सभी देश और उसके जो नागरिक हैं उनमें आपसी सौहार्द अच्छा हो, शांति अच्छी हो, सद्भाव अच्छा हो, इसी उद्देश्य के साथ काम किया जाए। तो 21 सितंबर विश्व शांति दिवस है, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता कभी क्वेश्चंस पूछ ले। फिलहाल अभी तक तो उम्मीद नहीं रही है, लेकिन हो सकता पूछ ले। आज का डेट था इसलिए हमने सोचा बता दिया जाए। बड़ा ये जो क्लास होने वाली है, क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्थापत्य कला के क्वेश्चंस देखेंगे और स्थापत्य कला में लगभग 45 प्लस क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आप लोग पेन पेपर उठा लीजिएगा, नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। आप जानते हैं स्थापत्य कला में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और थोड़ा सा डीप में कभी पूछा जाता है, तो कभी कभी थोड़ा सा हल्का लेवल का क्वेश्चंस हो जाता है। जैसे कौन सा स्तंभ कहाँ पर है, प्रयाग स्तंभ कहाँ पर है, तो कौशाम्बी में है। दिल्ली टोपरा से प्राप्त होता है, आप जानते होंगे। अशोक का स्तंभ क्या कहलाता था, तो अशोक की लाठ। ऐसे बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे स्तंभ, बहुत सारे लेख आपको मिले हैं और उनसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। जो आपके सिलेबस में है वही डाटा पढ़ाया भी जाएगा। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। लिंगराज मंदिर की तरह ही प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? लिंगराज मंदिर की तरह जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया, ये क्वेश्चंस पूछा गया है बेटा। तो ये याद रखना कि जो लिंगराज मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है। तो ये नागर शैली का बहुत बढ़िया उदाहरण माना जाता है, नागर शैली। और नागर शैली में ही जगन्नाथ मंदिर भी बना हुआ है। किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शंस में है नरसिंह वर्मन, दंती वर्मन, अनंती वर्मन चौध या फिर नंदी वर्मन। राइट आंसर क्या होगा? तो लिंगराज मंदिर के लिए आप जानते हैं राइट आंसर क्या बनेगा, अनंती वर्मन चोद बनेगा। राइट आंसर सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बन रहा है। लिंगराज मंदिर के लिए अनंती वर्मन राइट आंसर बन रहा है बेटा। राइट आंसर क्या हो रहा है, सी इज द राइट आंसर हो रहा है। हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये उड़ीसा वाला बेल्ट होता है, वहीं पे नागर शैली में, चाहे वो लिंगराज मंदिर कहा जाए चाहे जगन्नाथ मंदिर कहा जाए, दोनों स्थित है कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा वही जहाँ नवीन पटनायक के जो है कार्यकाल होता है, मुख्यमंत्री होते हैं। और कौन सा, कोणार्क वाला बेल्ट, कोणार्क, कोणार्क बहुत फेमस है, कोणार्क रथ वहाँ का बहुत फेमस होता है। तो ये सब डाटा वहीं पे मिलते हैं, भुवनेश्वर वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। उड़ीसा राज्य है, भुवनेश्वर राजधानी है। राइट आंसर क्या होगा, अनंत वर्मन चौदह होंगे, सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या दो कह रहा है, वातापी के चालुक्यों ने किस नगर में मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो वातापी के चालुक्यों ने किस नगर में मंदिर का निर्माण करवाया, कांची, जयपुर, महाबलीपुरम या फिर एहोल। राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, तो वातापी के चालुक्यों के द्वारा मूल रूप से कौन से जगह पे जो है मंदिरों का निर्माण हुआ है, तो एहोल जगह पे। राइट आंसर डी के साथ लगा लीजिएगा, एहोल इज द राइट आंसर। वातापी के चालुक्य शासक मूल रूप से एहोल जगहों पे इसका काम किए हैं। चालुक्यकालीन स्थापत्य कला में भी बहुत सारे डाटा मिलते हैं, बादामी भी मिलता है, आप जानते होंगे बादामी, बदामी के साथ साथ एहोल भी मिलता है और पदकल भी मिलता है। तो पत्तक कल, कुछ जगह पदकल लिखा मिलता है, तो ये सब डाटा भी वहीं होता है। चालुक्य मंदिरों का निर्माण आप जानते होंगे कि पर्वतों को काट करके किया गया है, तो एहोल जगह से मूल रूप से मंदिरों का निर्माण पाया जाता है, बदामी में भी पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या तीन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कहा जा रहा है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस शासकों के द्वारा करवाया जाता है? ऑप्शंस में है चंदेल शासक, चोल शासक, चालुक्य शासक या फिर पल्लव शासक। राइट आंसर क्या होगा बेटा, तो जो
खजुराहो होता है, यहाँ के मंदिरों की जो वास्तुकला है बढ़िया से शिखर बनाती हुई है, शिखरों से स्थित होती है, कौन सा वंश यहाँ पे मंदिरों का निर्माण करवाता है, कौन सा शासक यहाँ पे मंदिरों का निर्माण करवाता है, वो क्वेश्चंस पूछ लिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, नागर शैली में बना हुआ डाटा है, चंदेल शासक इसे बनवाते हैं, तो चंदेल शासक राइट आंसर लगा लीजिए। राइट आंसर क्या बनेगा, चंदेल शासक इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। तो खजुराहो किस शैली में बना हुआ है, ये भी नागर शैली का ही अच्छा उदाहरण माना जाता है, नागर नागर शैली बेटा याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है, ए के साथ राइट आंसर लगा लीजिए, चंदेल इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या चार की तरफ। प्रश्न संख्या चार कह रहा है, ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन का मंदिर इनमें से किस स्थान पे मिला है। ईंटों से निर्मित, आप जानते होंगे क्वेश्चंस घुमा के पूछे या सीधा पूछे, आंसर्स वही होगा। ऑप्शंस में है कानपुर, दिवांग, भूमिरा या फिर देवगढ़। ईंटों से निर्मित जो मंदिर है उसे हम लोग भीतर गांव का मंदिर कहते हैं, सही है ना, भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर कहते हैं, जो कानपुर के बिठूर के पास स्थित होता है। राइट आंसर ए के साथ लगा लीजिएगा, ईंटों से बना हुआ है, कानपुर में स्थित है, गंगा के किनारे पाया जाता है, ए के साथ राइट आंसर बन रहा है, गुप्त काल में बना हुआ, बहुत ही बढ़िया स्थापत्य कला का ये केंद्र माना जाता है। राइट आंसर ए के साथ लगा लीजिएगा, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या पाँच की तरफ। पूछ लिया गया, स्थापत्य कला के केंद्र हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, कृष्ण देव राय ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने या फिर महेंद्र वर्मन ने। तो विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, क्वेश्चंस बहुत अच्छा पूछा गया है, विट्ठल देव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। राइट आंसर आप क्या लगाएंगे विट्ठल देव मंदिर के लिए, राइट आंसर आप क्या लगा रहे हैं, मैं देखना चाहूँगा राइट आंसर, कृष्णदेव राय कितने लोग लगाए हैं, कृष्णदेव राय कितने लोग लगाए हैं। कृष्ण राय प्रथम एक हैं, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जो राष्ट्रकूट वंश के शासक होते हैं बेटा। लेकिन विट्ठल स्वामी मंदिर, हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ नहीं, बी के साथ लगा लीजिए, कृष्णदेव राज इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या छः की तरफ। कहा जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली में बना हुआ है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली में बना हुआ है। ऑप्शंस में है बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली या फिर उपर्युक्त सभी। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर पाया जाता है वो किस शैली में है, तो आपको याद होगा कि सोलंकी वंश के शासकों ने बनवाया है, सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा बनवाया जाता है, ये आपको याद रखना होगा, बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया, बिमल शाह के द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया गया। कहाँ पे है, तो माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ पे है, राजस्थान में है बेटा। ये नागर शैली का बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है, तो नागर शैली राइट आंसर लगाइएगा, सी के साथ राइट आंसर बन रहा है, नागर शैली इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है कि आप लोग बेटर कर रहे होंगे, यहाँ पे बहुत अच्छी आपकी स्कोरिंग हो रही होगी। स्थापत्य कला से इससे बाहर कुछ नहीं। प्रश्न संख्या सात की बात करते हैं। पूछ लिया गया, विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शंस में है मथुरा से, सांची से, गंधार से या फिर सारनाथ से। भगवान विष्णु की सबसे पुरानी प्रतिमा कहाँ से मिलती है। ऑप्शंस में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन राइट आंसर क्या बनेगा, तो भगवान विष्णु की सबसे पुरानी प्रतिमा मथुरा से प्राप्त होती है। राइट आंसर ए के साथ लगा लीजिए, मथुरा इज द राइट आंसर, मथुरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या आठ की तरफ। प्रश्न संख्या आठ की अगर बात करते हैं, तो कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है, चोलों से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस में है बृहदीश्वर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, एरातेश्वर मंदिर या फिर कोरंगनाथ मंदिर। बेटा कौन सा मंदिर ऐसा है जिसका संबंध चोल शासकों से नहीं रहा है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर किसने बनवाया है, बेसर शैली में बना हुआ है और राष्ट्रकूट शासक बनवाता है, अभी जस्ट हमने बताया। तो ये चोल वंश से संबंधित नहीं रहेगा, इसका संबंध किससे हो जाएगा, राष्ट्रकूटों से हो जाएगा, राष्ट्रकूटों से हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, कैलाश मंदिर इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। आप जानते हैं राय कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, तो राय कृष्ण
फर्स्ट के द्वारा करवाया जाता है। ये तो आप जानते ही हैं किस शैली में बना हुआ है, तो कैलाश मंदिर बेसर शैली में बना हुआ है। एलोरा कैलाश मंदिर बेसर शैली में बना हुआ है, बेसर शैली है। और आप जानते हैं कैलाश मंदिर एलोरा की किस गुफा में है, 16 नंबर गुफा में है। एलोरा में कितनी गुफाएं पाई जाती हैं, 34 पाई जाती हैं। कहाँ पे स्थित है, तो एलोरा आप जानते हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कहा जा रहा है, संगमरमर में उत्कृष्टतम अद्भुत कला के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो संगमरमर से सबसे बढ़िया मंदिर, जैन मंदिर भारत में कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चंस कह रहा है। ऑप्शंस में नाम दिए गए हैं कानपुर का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का या फिर दलवाड़ा का। तो सबसे बढ़िया संगमरमर का साक्ष्य मिलता है, और वो भी किस शैली के लिए, जैन मंदिर के लिए। तो जैन मंदिर के लिए सबसे बढ़िया जो डाटा मिलता है वो दिलवाड़ा वाला मंदिर होता है। दिलवाड़ा वाला मंदिर जानते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर या फिर जैन मंदिर के नाम से फेमस होता है, माउंट आबू में स्थित होता है। अभी जस्ट हमने बताया था कि नागर शैली का बहुत बढ़िया उदाहरण माना जाता है, और यहाँ बिमल शाह ने बनवाया, सोलंकी वंश का शासक था। तो डी के साथ राइट आंसर लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया। ऑप्शंस में नाम है राजा नरसिंह देव ने, राजा चंद्रदेव ने, राजा इंद्रजीत सिंह ने या फिर राजा विक्रम सिंह देव ने। राइट आंसर क्या होगा, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कौन बनवाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया जाता है। आप जानते हैं बेटा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कौन बनवाता है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आप जानते हैं नरसिंह देव के द्वारा बनवाया जाता है। राइट आंसर ए के साथ बन जा रहा है, ए इज द राइट आंसर। कोणार्क वाला सूर्य मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में है, याद रखना। प्रश्न संख्या 11 स्क्रीन पे आ चुका है। कहा जा रहा है, अपने कमल जैसा आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर, बहाई मंदिर पूछा गया क्वेश्चन है। बहाई मंदिर भारत के किस नगर में स्थित है। ऑप्शंस में है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बड़ौदा। तो बहाई मंदिर कहाँ पे स्थित है, बहाई मंदिर कहाँ पे स्थित है, राइट आंसर क्या बनेगा। बहाई मंदिर के लिए राइट आंसर क्या बन रहा है, तो बेटा वो राइट आंसर बनेगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली। राइट आंसर सी के साथ बन जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। बहाई मंदिर दिल्ली में स्थित है, तो सी के साथ राइट आंसर लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है। खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। राज्य है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो खजुराहो आप जानते हैं मध्य प्रदेश का हिस्सा होता है बेटा। कई जगह छतरपुर लिखा मिलता है, कई जगह झांसी लिखा मिलता है, तो ये मध्य प्रदेश का है। हालांकि यहाँ पे कुछ लोग इसे जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा मानेंगे, जो कि गलत ऑप्शन होगा। मध्य प्रदेश लगाइएगा, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। खजुराहो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। डाटा इंपॉर्टेंट है, छतरपुर के पास स्थित होता है, छतर याद रखना। बी के साथ राइट आंसर हो रहा है, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस कहा जाता है 13 नंबर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया, श्रवण बेलगोला में स्थित जो गोमतेश्वर की मूर्ति है का निर्माण किसने करवाया। तो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। ऑप्शंस में है चंद्रगुप्त मौर्य, अश्वमेघ वर्ष, खारग बेल या फिर चामुंडा राय। तो गोमतेश्वर की प्रसिद्ध प्रतिमा का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, तो गंगवेट के द्वारा करवाया जाता। अच्छा, ऑप्शंस में तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, खारवेल हैं, अश्वमेघ हैं और चामुंड राय हैं। राइट आंसर क्या बन रहा है, तो आप देखेंगे श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की अच्छी रचना चामुंडा राय या फिर चामुंड राय के द्वारा करवाई जाती है। तो डी के साथ राइट आंसर लगवाइए, चामुंड राय या फिर चामुंडा राय इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या बन रहा है, चामुंडा राय बन रहे हैं, डी के साथ राइट आंसर जा रहा है। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, प्रख्यात यानी विश्व विख्यात कोणार्क का मंदिर किस प्रांत में है। ऑप्शंस में है तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, केरला। राइट आंसर क्या होगा बेटा, कोणार्क मंदिर भी जस्ट हमने बताया था उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर सी के साथ लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया, गुप्तकाल की सर्व प्रमुख विशेषता क्या रही है। ऑप्शंस में है मूर्तिकला, चित्रकला, मंदिरों का निर्माण या फिर काष्ठकला। तो गुप्तकाल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है, तो आप जानते हैं गुप्तकाल में मंदिरों का निर्माण खूब अच्छे से हुआ है और सज्जों के साथ हुआ है, साज सज्जा बहुत बरकरार रही है। तो मंदिरों के निर्माण के लिए गुप्तकाल जाना जाता है, गुप्तकाल इसीलिए स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, मंदिरों का निर्माण इज द राइट आंसर।
बेटा 45 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी प्रश्न जो है स्थापत्य कला से हैं। बहुत सारे क्वेरीज के बाद स्थापत्य कला का डाटा ढूंढा गया है और आराम से कराया जा रहा है। हमें उम्मीद है आप लोग पेन पेपर उठा के बैठे होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे। देखिएगा, आराम से बताइएगा कैसे आपका ये जो है टेस्ट पेपर लगा है, ये 45 क्वेश्चनों की सीरीज आपको कैसी लगी है, 45 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शंस में है गंगवंश, सुंगवंश, गुप्त वंश या फिर मौर्य वंश। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है बेटा, वो गंगवंश के शासक के द्वारा करवाया जाता है। तो राइट आंसर ए लगवाइएगा, नागर शैली में बना है, नरसिंह देव यानी गंगवंश के शासक रहे हैं। तो कौन करवाता है? नरसिंह देव करवाते हैं, नरसिंह देव के द्वारा करवाया जाता है। तो ये तो आप जानते हैं, नागर शैली का अच्छा उदाहरण है, उड़ीसा में स्थित है, कोणार्क मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर इसे कहा जाता है। ए के साथ राइट आंसर लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया तिंगवा का मंदिर कहाँ स्थित था तथा इसमें किसकी मूर्ति स्थापित थी? तो तिंगवा का मंदिर कहाँ पे है, मूर्ति किसकी है? जबलपुर में है विष्णु भगवान पाए जाते हैं, कोटा में है शिव भगवान पाए जाते हैं, मथुरा में है कृष्ण भगवान पाए जाते हैं या फिर ललितपुर में है विष्णु भगवान पाए जाते हैं। तो तंगवा का मंदिर मूल रूप से कहाँ पे है ये आपको बताना है। तंगवा का मंदिर अगर पूछा जाए तो याद रखना विष्णु भगवान की प्रतिमा है, जबलपुर राइट आंसर बनेगा, ए के साथ राइट आंसर जाएगा, मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। कहा जाता है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस शासक की रानी के द्वारा करवाया गया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस शासक की रानी के द्वारा करवाया गया? ऑप्शंस में है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बेटा विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी के द्वारा करवाया जाता है। तो राइट आंसर बी के साथ लगा लीजिए, बी इज द राइट आंसर बन जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। कहा जाता है श्रवण बेलगोला में स्थित गोमितेश्वर की प्रतिमा, गोमितेश्वर की प्रतिमा किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शंस में है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर शैव धर्म। तो श्रवण बेलगोला में जो गोमितेश्वर की प्रतिमा पाई जाती है आपको याद होना चाहिए किस धर्म से संबंध रखता है। तो जिससे संबंध दिलवाड़ा का मंदिर रखता है, माउंट आबू वाला, जैन धर्म से, वही संबंध श्रवण बेलगोला का गोमितेश्वर की प्रतिमा भी रखता है। तो राइट आंसर लगा लीजिए, जैन धर्म, ए के साथ राइट आंसर बन जा रहा है, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। कहा जाता है मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस में है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो मार्तंड का सूर्य मंदिर कहाँ पाया जाता है? मार्तंड का सूर्य मंदिर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस आप देख ही चुके हैं, राइट आंसर क्या होगा? तो जे एंड के इसके लिए जिम्मेदार होगा, जम्मू एंड कश्मीर में मार्तंड का सूर्य मंदिर स्थित है। ए के साथ आंसर लगा लीजिए, ए इज द राइट आंसर हो जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। कहा जाता है अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शंस में है चंद्रवर्मन ने, समुद्रवर्मन ने, कृष्णवर्मन ने या फिर सूर्यवर्मन ने। तो अंकोरवाट का मंदिर मूल रूप से किसने बनवाया, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो बेटा सूर्यमनमन के द्वारा करवाया जाता है, डी के साथ राइट आंसर लगा लीजिए, डी इज द राइट आंसर बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया अंकोरवाट मंदिर किस भगवान का मंदिर होता है? विष्णु भगवान का, शिव भगवान का, कृष्ण भगवान का या फिर राम भगवान का? तो अंकोरवाट का जो मंदिर है मूल रूप से कौन से भगवान को निरूपित है? तो ये याद रखना कि अंकोरवाट मंदिर में भगवान विष्णु स्थापित हैं, भगवान विष्णु की प्रतिमा है। तो राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 में पूछा गया सन 2002 में किस राज्य के अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था, वह कौन से राज्य में स्थित है? तो अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे है? ऑप्शंस में है गुजरात में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो आप जानते हैं अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे है, जहाँ पे पहले नरेंद्र मोदी का गृह स्थल हुआ करता था। राइट आंसर है गुजरात, अक्षरधाम मंदिर मूल रूप से गुजरात में पाया जाता है। वहीं पे आतंकवादी हमला भी एक बार हो चुका है, कब? 2002 में। तो राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, गुजरात इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। 24 में पूछा जाता है
पल्लव रथों में सबसे छोटा रथ कौन सा है? बेटा पल्लव काल में कई सारे रथ आए, उसमें से सबसे छोटा रथ पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में द्रौपदी रथ है, धर्मराज रथ है, भीष्म रथ है और साथ में सहदेव रथ है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो सबसे छोटा रथ की प्रतिमा मिली है, सबसे छोटा रथ माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो पल्लव काल में जो सबसे छोटा रथ माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है मूल रूप से द्रौपदी रथ को। राइट आंसर ए के साथ बनता है, द्रौपदी रथ इज द राइट आंसर। सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ को कहा जाता है। तो ए के साथ राइट आंसर हो जा रहा है, द्रौपदी रथ इज द राइट आंसर। पाए बहुत सारे रथ गए हैं लेकिन सबसे छोटा जो रथ माना जाता है वो द्रौपदी रथ माना जाता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। नोट डाउन करने से फ़ायदा ये है बेटा कि जब आप इसे रिवीजन करेंगे 10 दिन बाद तब समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए नोट डाउन करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल जो हमारा काम है बताना, आपको सलाह देना कैसे पढ़ना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए, तो उसके लिए हम बार बार टोकते रहते हैं, कहते रहते हैं। पढ़ना आपको है, आप अपनी मर्जी से पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, कुल मिलाकर के आपको फाइनली सिलेक्शन ही लेना है। मुख्य उद्देश्य सिलेक्शन ही है बेटा, आपको सिलेक्शन लेना है, बस दिमाग में घुसना चाहिए, कैसे भी घुसे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। पूछ लिया गया पल्लव रथों में सबसे प्रसिद्ध रथ कौन सा है? ऑप्शंस में है द्रौपदी रथ, धर्मराज रथ, भीम रथ या फिर सहदेव रथ। तो सबसे प्रसिद्धि का प्राप्त वाला रथ कौन सा है? तो धर्मराज रथ। आप जानते हैं प्रसिद्धि में सबसे बढ़िया काम धर्मराज ने किया, यानी युधिष्ठिर ने किया है। तो धर्मराज रथ जो है जब ज़्यादा प्रसिद्धि का पात्र रहा है, ज़्यादा फेमस भी रहा है। तो प्रसिद्धि का प्राप्त वाला रथ कौन सा है? तो वो मूल रूप से धर्मराज रथ को नाम दिया जाता है, धर्मराज रथ को बताया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। डाटा यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 26, सांची के प्रख्यात स्तूप का निर्माण किस शासक काल में हुआ था? तो सांची का प्रख्यात स्तूप जो है, यानी सांची का ज़्यादा फेमस वाला स्तूप किस काल में हुआ है? समुद्रगुप्त के काल में, चंद्रगुप्त के काल में, कनिष्क के काल में या फिर अशोक के काल में? राइट आंसर क्या बनेगा? तो सांची का प्रख्यात स्तूप मूल रूप से किसके काल में बना हुआ है ये आपको बताना है। सांची का जो प्रख्यात स्तूप है वो मूल रूप से अशोक के काल में बना हुआ है। तो राइट आंसर अशोक लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। प्रश्न संख्या 27 कहा गया अशोककालीन स्तंभों की ऊंचाई औसतन कितनी रही है? औसत में डाटा कितना मिला है? 15-20 फीट मिला, 40-50 फीट मिला, 50-60 फीट मिला या फिर 30-40 फीट मिला? तो बेटा औसतन ऊंचाई की अगर बात करें, ये ओवरऑल जो है किसी के 20, किसी की 40, किसी की 100, तो ऐसे कुल मिलाकर के औसत जो बनेगा, सभी को ऐड करके जितनी संख्या उससे भाग दिया जाता है तब औसत निकलता है। कहा जाता है 50-60 फीट ज़्यादातर डाटा मिले हैं। 50-60 फीट नहीं है, है 40-50 फीट, मैक्सिमम 50 फीट औसत निकल रहा है, तो इसलिए 40-50 फीट राइट आंसर लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर बन जा रहा है, सी इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। कहा जाता है सांची जाना जाता है किसके लिए? सीमेंट फैक्ट्री के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, हीरे की खान के लिए या फिर विष्णु मंदिर के लिए? तो सांची किस लिए फेमस होता है बेटा, सांची किस लिए जाना जाता है, सांची का संबंध किसके लिए रहा है? तो यहाँ पे बौद्ध स्तूप सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए सांची जाना जाता है। स्तूप होता है पूजा स्थल बेटा, और विहार होता है रहने का स्थान, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहें और मूल रूप से उसे बिहार कहा जाएगा। जहाँ बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करें या फिर पूजा करें उसे स्तूप कहा जाता है। तो सांची एक अच्छा लेवल का बौद्ध स्तूप है, बी के साथ राइट आंसर लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 में पूछा गया बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? ऑप्शंस में है बिहार में, स्तूप में, मंडप में या फिर बस्तियों में। अभी जस्ट हमने बताया कि बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान बिहार कहलाता है और पूजा स्थल क्या कहलाता है? स्तूप कहलाता है। तो ये याद रखना, दोनों में डिफरेंसेस हैं, कई बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 30 पूछ रहा है मगध राज्य की नींव किसने डाली थी? मगध राज्य की नींव किसने डाली थी? ऑप्शंस में नाम आ रहे हैं बिंबसार ने, चंद्रगुप्त ने, अजात शत्रु ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मगध राज्य की नींव किसके द्वारा डाली जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया, और मगध राज्य के लिए
जो है न्यू डालने का शासन किसने किया है, ये क्वेश्चंस है। ऑप्शंस में आंसर्स आप देख रहे हैं क्या क्या आ रहे हैं। अगर बात करें मगध राज्य की तो स्थापना किसने की है, तो मगध राज्य के लिए बिंबसार आगे आता है। राइट आंसर बिंबसार लगा लीजिएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है गंधार कला का विषय क्या रहा है, तो बेटा गंधार कला में भी अगर गंधार कला से क्वेश्चंस पूछे तो याद रखना यहाँ भी बौद्ध धर्म से डाटा मिलते हैं, तो बौद्ध ही उसका विषय रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 की बात करते हैं, 31 में पूछा गया भारतीय चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र कहाँ पे है, भारतीय चित्रकला का पुराना केंद्र कहाँ पे है। ऑप्शंस में है गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है या फिर जयपुर में है। तो भारतीय चित्रकला का जो पुराना केंद्र माना जाता है राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है, तो जयपुर लगा लीजिए, डी इज़ द राइट आंसर बन जाएगा, जयपुर इज़ द राइट आंसर बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ, 32 में कहा जाता है कि सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी, सम्राट अशोक की राजधानी क्या रही है, काशी बनाए, पाटलिपुत्र बनाए, कलिंग बनाए या फिर राजस्थान बनाए। तो सम्राट अशोक ने आप जानते हैं पाटलिपुत्र से अपना शासन किया, तो राइट आंसर बी के साथ बनेगा, राजधानी क्या बनाया, पाटलिपुत्र बनाया था, पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर बन भी रहा है, बी के साथ राइट आंसर लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ और पूछा जाता है कि भरहूत स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है, भरहूत स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। ऑप्शंस में है शुंग काल, गुप्त काल, मौर्य काल या फिर चोल काल। बेटा भरहूत स्तूप किस काल का बना हुआ डाटा बताइए, जल्दी से बताइए भरहूत स्तूप किस काल का है, तो शुंग काल का डाटा माना जाता है, राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, भरहूत स्तूप शुंग काल का एक अच्छा डाटा मिलता है, शुंग काल का एक अच्छा डाटा माना जाता है, तो राइट आंसर लगा लीजिए, शुंग काल ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं, 34 में पूछ लिया गया सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने कराया था, सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शंस में है अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंबसार ने या फिर चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, बिंबसार ने या फिर अशोक ने। सारनाथ स्तूप किसने बनवाया था, सारनाथ स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है, ये याद रखना, तो सारनाथ स्तूप अशोक के द्वारा करवाया जाता है, राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, अशोक इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। आप जानते हैं 45 प्लस क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी प्रश्न स्थापत्य कला से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो पूछे जा सकते हैं, इसलिए कराया जा रहा है, नोट डाउन करते रहिएगा। पूछा गया बोरोबादुर या फिर बोरोबादुरु का स्तूप किस धर्म से संबंध रखता है। ऑप्शंस में है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या फिर हिंदू धर्म। बोरोबादुरु का स्तूप पूछा गया है किस धर्म से संबंधित है, ऑप्शंस में नाम आए हैं, एक धर्म इसके लिए जिम्मेदार है, राइट आंसर क्या होगा। तो बोरोबादुरु का जो स्तूप है मूल रूप से किसके लिए जाना जाता है, बोरोबादुरु का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो बड़ा वो धर्म होता है बौद्ध धर्म, और कहाँ पर स्थित है, तो आप जानते हैं बोरोबादुरु का स्तूप जावा में स्थित है, ये भी याद रखना, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की तरफ, पूछा गया चैत्य गुफाओं में सबसे उत्कृष्ट गुफा कौन सी है। ऑप्शंस में है भाजा गुफा, कारले गुफा, कान्हेरी की गुफा या फिर नासिक गुफा। तो चैत्य गुफाओं में सबसे उत्कृष्ट गुफा जो मानी जाती है, चैत्य गुफाओं में जो सबसे उत्कृष्ट गुफा मानी जाती है, वो मानी जाती है कारले की गुफा, तो राइट आंसर कारले लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर बन जा रहा है, कारले इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है, नोट डाउन कर लीजिएगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 37 की तरफ बढ़ते हैं, पूछ लिया गया भाजा गुफा कहाँ स्थित है। ऑप्शंस में है महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पुणे में या फिर बंबई में। भाजा गुफा मूल रूप से कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चंस बन रहा है, और भाजा गुफा के लिए पुणे जिम्मेदार है, यानी दक्षिण भारत जिम्मेदार है, पुणे इज़ द राइट आंसर बन जा रहा है, सी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। भाजा 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 में ये याद रखना है कि भाजा में कितनी गुफाएँ हैं, तो भाजा में लगभग 22 गुफाएँ पाई जाती हैं, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, और ये याद रखना कि ये स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, तो बेरीबिली स्टेशन पड़ता है, वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर ये कन्हेरी की गुफा स्थित होती है, कन्हेरी की गुफा स्थित होती है, और कन्हेरी की गुफा में लगभग 30 डाटा पाया जाता है, जबकि भाजा की गुफा में 22 डाटा पाया जाता है। भाजा गुफा महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। कारले कहाँ की गुफा है, महाराष्ट्र की गुफा है, ठीक है, ये सब चैत्य गुफाएँ होती हैं, ये भी याद रखना, चैत्य गुफाएँ। प्रश्न संख्या 38 की तरफ बढ़ते हैं, 38 में पूछा जाता है
नागार्जुनी की पहाड़ियों में गोपी गुफा आजीविकाओं को किस शासक ने प्रदान की? तो गोपी गुफा आजीविकाओं को किस शासक ने दी है? अशोक ने दी, दशरथ ने दी, चंद्रगुप्त सेकंड ने दी, या फिर कुमारगुप्त ने दी? राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो नागार्जुनी की पहाड़ियों में गोपी गुफा आजीविकाओं को मूल रूप से किसके द्वारा दान किया गया? तो किसके द्वारा दान किया गया? दशरथ के द्वारा दान किया गया। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, दशरथ इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट की तरफ। प्रश्न संख्या 39 में पूछा गया, बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शंस में हैं उत्तर प्रदेश, कलकत्ता, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। तो बराबर और नागार्जुन की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? बराबर और नागार्जुन की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर बिहार बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर लगाइएगा, बिहार इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। कहा जाता है अशोक की कौन सी गुफा आजीविकाओं को दान में नहीं दी? आजीविकाओं को दान में नहीं दी। ऑप्शंस में है करण चौपड़ की गुफा, गोपिका गुफा, सुदामा गुफा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अशोक की कौन सी गुफा है जो आजीविकाओं को दान में नहीं दी गई है? राइट आंसर क्या बनेगा? तो दान में नहीं दी गई गुफा का राइट आंसर बनेगा गोपिका की गुफा। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, गोपिका गुफा इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। कहा जाता है दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ पाषाण स्तंभों का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से रहा है? तो दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ पाषाण स्तंभ का संबंध किस शासक से है? ऑप्शंस में है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, फिरोज शाह तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ का जो पाषाण स्तंभ है वो अशोक के द्वारा बनवाया जाता है। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगर भरहूत स्तूप पूछे तो कौन बनवाता है? तो भरहूत के लिए पुष्यमित्र शुंग बनवाते हैं। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चौखंडी का स्तूप बहुत बार पूछा गया कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित होता है। सारनाथ में कौन सा स्तूप? चौखंडी का स्तूप, याद रखना। आगे प्रश्न संख्या 42 कह रहा है दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ पाषाण स्तंभों को किस शासक ने दिल्ली में स्थापित करवाया था? तो कौन सा शासक है जो दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ को जो है एक साथ जोड़ता है? ऑप्शंस में नाम आते हैं फिरोज शाह तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का, उपरोक्त तो सभी या फिर गयासुद्दीन तुगलक का। राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ के लिए क्या बनता है बेटा? तो राइट आंसर बनेगा फिरोज शाह तुगलक इज द राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की तरफ। 43 में कहा जाता है अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? मयूर की आकृति किस अभिलेख पे है? ऑप्शंस में है लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख, सारनाथ अभिलेख, अलाहाबाद अभिलेख या फिर लुम्बिनी अभिलेख। अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसपे मयूर की आकृति पाई जाती है? मयूर की आकृति कौन से अभिलेख पे पाई जाती है? आंसर्स बताइए। अभिषेक है मूल रूप से अशोक का अभिलेख है। अशोक के कौन से अभिलेख में ऐसा डाटा मिलता है कि जिसके सिर पे मयूर जो है चिन्हित तो हो बनाया गया हो? तो लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख पाया जाता है। राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर 44 की तरफ। 44 में पूछा जाता है बौद्ध पुस्तकें किस पर लिखी गई थी? ऑप्शंस में है वस्त्र पे, कागज पे, ताम्र पत्र पे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध पुस्तकें मूल रूप से किस धर्म पे लिखी गई हैं? आप जानते हैं बौद्ध धर्म पे लिखी गई हैं। किस पत्र पे लिखी गई, ये अगर क्वेश्चंस पूछा जाए तो याद रखना कि बौद्ध की ज़्यादातर जो पुस्तकें हैं वो कागजों पे लिखी गई हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, कागज इज़ द राइट आंसर हो रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। 45 में पूछा जाता है भारत में कुषाण कालीन मूर्तियां किस संग्रहालय में बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं? ऑप्शंस में है मथुरा में, भोपाल में, सारनाथ में या फिर कोलकाता में। तो कुषाण कालीन मूर्तियां किस संग्रहालय में बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं? मथुरा, भोपाल, सारनाथ, कोलकाता। राइट आंसर क्या होगा? कुषाणकालीन डाटा कहाँ ज़्यादा मिलता है? तो बेटा मथुरा संग्रहालय में ज़्यादा मिलता है। राइट आंसर ए के साथ लगा लीजिए, मथुरा संग्रहालय इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस बेटा 48 हैं तो इन्हें देखना जरूरी भी है।
क्योंकि स्थापत्य कला के क्वेश्चंस हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकता है, इसलिए इन्हें देखना जरूरी हो जाता है। नोट डाउन करते रहिए। प्रश्न संख्या 46 की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया गुप्तकालीन महारैली स्तंभ किस धातु का बना हुआ है? गुप्तकालीन महारैली स्तंभ किस धातु का बना हुआ है? ऑप्शंस में है सोना, लोहा, चांदी, पीतल। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो यहाँ पे लोहा राइट आंसर बनेगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लोहा इज द राइट आंसर। गुप्तकालीन महारौली स्तंभ लोहा धातु से बना हुआ है, बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं। 47 में पूछा गया प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई? पहली बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई? ऑप्शंस में है गंधार में, मथुरा में, सारनाथ में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहली बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई थी? पहली बौद्ध मूर्ति मूल रूप से कहाँ पाई गई है? तो बेटा मथुरा में पाई गई है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, मथुरा इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है भारतीय कला का स्वर्ण युग कौन सा कला कहलाता है, कौन सा काल कहलाता है? ऑप्शंस में है 300 से 600 ईस्वी, 200 वर्ष ईसा, 400 से 700 ईस्वी तक, या फिर 400 ईसा पूर्व। तो भारतीय कला का जो स्वर्ण काल कहलाता है, जिसे मूल रूप से हम जानते हैं 300 से 600 ईस्वी के आसपास। तो भारतीय कला का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है और उसकी जानकारी 300 से 600 ईस्वी के आसपास रही है। तो राइट आंसर ए ही बनेगा, ए इज द राइट आंसर। तो बड़ा यहाँ पे हम लोगों ने टॉप 48 क्वेश्चंस देखे हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही सही गए हैं एकदम एग्जैक्ट डाटा के साथ बताइएगा। एक डाटा मैं आपको और बता दूं कि अशोक ने लगभग कितने स्तंभ का निर्माण करवाया, तो बताना चाहूँगा कि 14 स्तंभों का निर्माण अशोक ने करवाया है और ज़्यादातर जो स्तंभ बनवाए हैं उसमें चुनार के बलुआ पत्थरों का निर्माण करवाया है। तो चुनार के बलुआ पत्थर से ज़्यादातर काम हुआ है। तो बलुआ पत्थर पूछा जाता है, संगमरमर है, ग्रे स्टाइन है या फिर चुनार है, क्या है? तो ज़्यादातर इसी से हुआ है, याद रखना, डाटा इम्पॉर्टेंट है। औसत ऊंचाई पूछी ही गई थी तो 40 से 50 हमने बता ही दिया था, तो इससे बाहर अब कुछ भी संभव नहीं है। हमें उम्मीद है कि यहीं से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, चाहे वो बिंबसार ने मगध राज्य की नींव डाली हो क्वेश्चंस आया था, चाहे ये पूछ लिया जाए कि बिंबसार मगध की गद्दी कब बैठा, तो 545 ईस्वी में बैठ जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है? तो डाटा इम्पॉर्टेंट थे। उसी अशोक कब बैठता है गद्दी पे? तो आप जानते हैं 269 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पे बैठता है, 269 ईसा पूर्व में। तो ये सब डाटा इम्पॉर्टेंट है, वही आपको कराए गए हैं। हमें समझ में आता है कि आप लोग जो है स्थापत्य कला के 48 क्वेश्चंस नोट डाउन किए होंगे, जो एक्स्ट्रा डाटा बताए गए हैं वो भी नोट डाउन किए होंगे, जिससे आपकी तैयारी कुछ हद तक बेटर हुई होगी। उम्मीद है आप 148 फतेह करेंगे, अपने माँ बाप का सपना साकार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में क्या साथ, तब तक के लिए जय हिंद।